हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th का चैप्टर है हमारा, 11 लास्ट चैप्टर है द प्रपोजल। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसमें हमें जो नाम दिखेंगे लेसन में वो भी थोड़े से अलग होंगे, क्योंकि ये एक रशियन वेडिंग के बारे में है और ये रशियन ही नेम है, तो ये थोड़े से आपको अजीब लगेंगे। अब जैसे रशियन वेडिंग है, अब जो लेसन में जिस चीज़ के बारे में बताया गया है मोटा मोटा सा ओवरव्यू है, इसको देखते हैं क्या है ये। डू यू नो एनी थिंग अबाउट ए रशियन मैरिज सेरेमनी? रीड दिस आर्टिकल अबाउट ए रशियन वेडिंग। अब ये रशियन वेडिंग के बारे में आर्टिकल है, अब देखते हैं रशियन मैरिज में क्या क्या होता है। प्रिपरेशन फॉर ए रशियन वेडिंग। ए रशियन वेडिंग इज वेरी सिंपल। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइडरी ड्रेस, कार्स एंड ए रिसेप्शन। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन, बट नाउ ए दी ब्राइड्स एंड द ग्रूम फैमिली इज यूजली शेयर एक्सपेंसिज। ए रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 डेज, सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज वीक। अब जो रशियन वेडिंग है वो काफ़ी सिंपल होती है, इसमें क्या क्या अरेंजिंग होती है, रिंग्स की अरेंज करते हैं, जो ब्राइड ड्रेस है दुल्हन की ड्रेस होती है उसकी अरेंजिंग होती है और रिसेप्शन होता है। और पहले तो क्या होता था, काफ़ी टाइम पहले तो जो लड़की की फैमिली वाले हैं वही पे करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन आज के टाइम में तो लड़का और लड़की, दूल्हा और दुल्हन दोनों के परिवार जो है पैसे देते हैं। और कभी कभी तो शादी 2 दिन में भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन कभी कभी हफ्तों तक भी शादियाँ चलती हैं। एंड द ओकेजन बिकेम समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज ए वेडिंग प्रोसेसन फॉर सेवरल कार्स। द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ग्रूम ब्राइड मेट बिफोर द वेडिंग ए फ्यू टाइम, मेक पोस्टर्स, राइट स्पीचेज एंड ऑर्गेनाइज कंटेस्ट। वैन द ग्रूम अराइव टू फेच द ब्राइड फॉर द रजिस्ट्रेशन, ही हैड टू फाइट टू गेट हर। अब कई कई दिन पहले जो दोनों तरफ के जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी तैयारियां करते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, कुछ कंटेस्ट करते हैं, स्पीचेस तैयार करते हैं। और जैसे वहां पे शादी से पहले ग्रूम को अपनी, मतलब कि जो ब्राइड ग्रूम है उसको अपनी ब्राइड के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो उसके लिए उसको बहुत सारी लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं। रशियन यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट इन टॉल बिल्डिंग्स एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइम सेवरल स्टेयर टू रीच हिज ब्राइड एंड द ग्रूम हैज़ बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर ए क्वेश्चन टू बी अलॉट टू गोट अप। अब वहाँ पे जहाँ ये जो रशियन फैमिलीज, जो रिच फैमिली है वो रहती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, तो जो दूल्हा है उसको सीढ़ियाँ पार करके जानी पड़ती हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं और तब उसको ऊपर जाने की अनुमति मिलती है। द ब्राइड फ्रेंड आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन समथिंग अबाउट द ब्राइड, समटाइम जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब जो दुल्हन की दोस्त फ्रेंड्स हैं वो दुल्हन से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई दुल्हन के बारे में कोई पहेलियाँ बुझाती हैं, तो वो उनको आंसर करता है दूल्हा उनके क्वेश्चनों के, चाहे वो अपनी फ्रेंड से हेल्प ले चाहे कैसे भी हो। फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन ए फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज, इफ ही गेस रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड। अब जैसे बेबीज़ की फ़ोटो दिखा दी जाएंगी उनको, उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारे वाली जो दुल्हन बनने वाली है वो कौन सी है, अगर वो गलत आंसर करेगा तो फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे। ये सब होता है, ये सब चलता है शादी से पहले। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन ही द न्यूली मैरिड कपल लीज द गेस्ट फॉर ए टूर ऑफ सिटी साइट्स। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन। अब जब वो अपनी दुल्हन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेता है दूल्हा, तो फिर वो 2-3 घंटे के लिए जो शहर से, शहर में जितने भी देखने की चीज़ें होती है वहाँ पे वो घूमने के लिए जाते हैं, और फिर जो है जहाँ पे रिसेप्शन होता है वो वहाँ पर पहुँचते हैं। द कपल सिट्स एट स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड इन्वाइटेड गेस्ट। द रिसेप्शन स्टार्ट विद टॉस्ट टू द कपल। अब जो जब कपल, दोनों कपल आते हैं घूम फिर के, तो फिर एक टेबल, स्पेशली टेबल होती है जहाँ पे उनके सभी दोस्त रिश्तेदार बैठते हैं, वो वहाँ पे बैठते हैं और बातचीत स्टार्ट करते हैं। ए वेडिंग टॉस्ट इज ए कस्टम वेयर ए क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव्स ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड से इफ़ यू वर टू विश द कपल, देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट। अब जैसे वो वाइन पीते हैं उस टाइम पे, हर किसी को चेस करते हैं कि भाई हम ऐसे प्रे करेंगे कि तुम्हारी लाइफ ऐसे अच्छी चले, तो ऐसा करते हैं, उसको बोलते हैं टोस्ट, तो उसको ऐसा बोलते हैं कि वो सब ऐसा करते हैं, ऐसा वहाँ पे एक कस्टम है, रीति रिवाज है ऐसा करने की। द ग्रूम इज देन आस्क टू किस द ब्राइड, फिर जो दूल्हा है दुल्हन को किस करता है। आफ्टर ए फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन, फिर लोग खाते पीते हैं और मौज मस्ती करते हैं। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन, कुछ समय के बाद जो दुल्हन है उसको चुरा लिया जाता है। सी डिसअपीयर एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट लुकिंग फॉर हर ही इज आस्क टू पे ए फी। और दुल्हन को कौन चुराते हैं, दूल्हे के दोस्त, और उसको फिर वो दूल्हे को बोलते हैं कि तुम मुझे पैसे दो। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड हु स्टील द ब्राइड, देन देयर इज द ब्राइड्स फ्रेंड, दे स्टील द ब्राइड शूज़।
अपने यहाँ पे तो दूल्हे के शूज चोरी होते हैं, वहाँ पे दुल्हन के शूज चोरी होते हैं, तो उसको छुपा लिया जाता है। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शूज़ टू, अब दूल्हे को उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। द गेस्ट इन्जॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग, ऐसे ही जो है मौज मस्ती और पार्टी चलती रहती है। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ये सब रशियन मैरिज के बारे में बोला गया है। द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल ए मैरिज प्रपोजल इज ए वन एक्ट प्ले, ए फार्स बाई रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटन शुकोव। इट वॉज रिटन इन 1889। अभी एक मैरिज प्रपोजल है, इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? ए मैरिज प्रपोजल, वैसे नाम प्रपोजल रखा गया है लेकिन जो इसका मेन टाइटल है वो एक मैरिज प्रपोजल है। और ये वन एक्ट प्ले है, ये एक रशिया से ली गई है छोटी सी स्टोरी, जो राइटर भी है हमारी और ड्रामेटिस्ट भी है एंटोन शुकोव, उन्होंने लिखी है और ये 1888 निवासी में लिखी गई है। द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू शिक टाइज विद द अदर वेल्दी फैमिलीज टू इंक्रीज देयर इस्टेट बाई एनक्रेजिंग मैरिज दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। अब उस टाइम पे क्या होता है, जो अमीर परिवार के जो वेल्दी फैमिलीज़ हैं जिनके पास काफ़ी धन दौलत है, तो वो अपनी शादियां ऐसे ही परिवारों में करते हैं जहां काफ़ी रिच फैमिलियों में करते हैं, ताकि उनकी जो धन दौलत है वो ऐसे ही बनी रहे और वो अपनी इस वेल्थ को और ज़्यादा इंक्रीज कर सके। इसलिए इवान लोमोव ए लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेफन शुबुको ऑल्सो वेल्दी कम्स टू शेक द हैंड ऑफ शुबुको 25 years old daughter Natalia। अब जो इवान है वो इवान और लोमोव जो है दोनों आपस में, इवान लोमोव ये एक नाम है और जो ये स्टेफन शुबुको है ये एक नाम है, तो ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं काफ़ी टाइम से, दोनों वेल्दी हैं। तो जो इवान है वो शुबुको के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया है, जो कि 25 साल की है, नतालिया नाम है उसका। ऑल थ्री आर क्वेल सम पीपल एंड दे क्वेल ओवर पिटी इश्यूज़, द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बींग फॉरगॉटन अमिस्ट ऑल दिस क्वेरलिंग, बट इकोनॉमिक गुड सेंस एंश्योर दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल ऑल्दो द क्वेरलिंग परहैप्स कंटिन्यू। लेकिन वो तीनों ही लड़ाकू हैं और पता नहीं लगता कि कब वो प्रपोजल को लड़ाई में बदल लेते हैं, और लड़ाई होते होते वो ये भी भूल जाते हैं कि वो इसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया था, और लास्ट में फिर वो शादी उनकी हो जाती है और ऐसे ही उनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो कौन कौन है इसमें देखते हैं, स्टेफन स्टेफनोविच शुबुको है जो एक लैंड ओनर है, एक जमींदार है, नतालिया स्टेफन जो इसकी डॉटर है वो 25 साल की है, और इवान वेस्लेविच लोमोव है ए नेबर ऑफ शुबुको ए लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर, ये भी एक लैंड ओनर है और ये इनका पड़ोसी है। तो इनके बीच में ही सारा का सारा जो प्ले है वो चलता है। तो देखते हैं, ए ड्रॉइंग रूम इन शुबुको हाउस लोमोव एंटर वियरिंग ए ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स, शुबुको राइजेज टू मीट हिम। ड्राइंग रूम का सीन है, शुबुको के घर में जो ड्राइंग रूम है वहाँ का सीन है, और लोमोव एक अच्छी जैकेट और वाइट ग्लव्स ड्रेस पहन के उसके घर में आता है, तो शुबुको उठता है उसको देख के, वो वहाँ पे बैठा हुआ था, उसे मिलने के लिए वो उठता है। तो शुबुको क्या बोलता, माय डियर फिलो वूम डू आई सी इवान वेसलविच, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, स्क्वीज हिज हैंड, नाउ दिस इज ए सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू। अब जैसे शुबुको के घर में इवान आया तो वो काफ़ी खुश होकर उठता कि हाँ तुम कैसे हो, हाथ मिलाता है, बहुत दिनों में आए हो और तुम कैसे हो मेरे प्रिय। तो लोमो बोलता है थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। शुभको वी जस्ट गेट अलोंग सम हाउ माई एंजल, थैंक टू योर प्रेयर एंड सो ऑन, सिट डाउन प्लीज डू, नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग, माई फियर फेलो वाहे आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इवनिंग ड्रेसेस ग्लव्स एंड सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनी वेयर माई ट्रेजर। तो शुभको कहता है कि भाई हाँ हम भी बढ़िया हैं, आपकी ही दया है, आपकी दुआओं का असर है, ये सब बोलता है। और फिर बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो ऐसे इवनिंग ड्रेस पहने हुए हो, फॉर्मल सी, कहीं पे जा रहे हो क्या? तो वो शुभको लोमो से पूछता है, तो लोमोव क्या कहता है, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेफन स्टेफनोविच, वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो शुबुको क्या बोलते हैं, देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीशियस एज इफ यू आर पेइंग ए न्यू ईयर यू विजिट, वो कहता है कि तुम फिर इतनी अच्छी इवनिंग ड्रेस में क्यों हो, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी न्यू ईयर की पार्टी में जा रहे हो। लोमो वेल यू सी इट इज़ लाइक द स्टेक इज हार्म, आई हैव कम टू यू ऑनर स्टेफन स्टेफनोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, Not once or twice have I already have the privilege of applying to help for you and you have always, so to speak, I must ask your pardon.
आई एम गेटिंग एक्साइटेड, आई शेल ड्रिंक सम वाटर ऑनर स्टेफन स्टेपनोविच ड्रिंक। अब वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो स्पेशली आप ही के पास आया हूँ स्टेफन स्टेपनोविच, और मेरी एक समस्या है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ही मेरी समस्या का हल कर सकते हैं। आपने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार पहले भी मेरी समस्या का समाधान किया है, और आप ही ऐसा कर सकते हो। वो मैं काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ, ये सब। और ऐसा करके वो पानी पीता है। शुभ को एसाइड, ही हैज कम टू बोरो मनी, शैल नॉट गिव ही मैनी अलाउड, वट इज़ इट माई ब्यूटी। और शुभ को जो मन मन में ऐसे बोल रहा है कि पैसे लेने आया होगा, मैं तो इसको एक भी पैसा नहीं दूंगा। और फिर मतलब कि एक साइड तो वो अपने मन में ये बोल रहा है कि पैसे लेने के लिए आया, मैं नहीं दूंगा पैसे। और फिर ये बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरी अच्छाई है, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। लोमोव, यू सी ऑनर स्टेफनोविच, आई बेग पार्डन स्टेफन ऑनरिच, आई मीन आई एम अवेफुली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस, इन शॉर्ट यू अलोन कैन माई हेल्प कैन हेल्प मी, तो आई डोंट डिजर्व इट ऑफ कोर्स एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस। तो लोमोव कहता है कि हाँ हाँ ये तो आपका बड़प्पन ही है, लेकिन मैं बार बार यही बोलूँगा कि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। हाँ मैं इस हेल्प के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप ही मेरी मदद करोगे और कोई नहीं कर सकता, ये सब। शुभ को बोलता है ओ डोंट गो अराउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। तो शुभ को बोलता कि हाँ तुम इधर उधर की बातें मत करो, सीधा मुद्दे पे आओ कि क्या बात है। लोमो, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नताला स्टेफनोवा इन मैरिज। तो वो फिर बोलता है कि हाँ मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ शादी के लिए, जो नताला स्टेफनोवा है उसका। शुभ को जॉयफुली, बाय जोव, इवान वेसलविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। अब शुभ को काफ़ी खुश होता है, तो खुशी बोलता है कि हाँ हाँ तुम दोबारा से बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दिया। लोमो, आई हैव द ऑनर टू आस्क, तो वो कहता है कि मैं मतलब कि मैं आपसे बहुत इज्जत से पूछ रहा हूँ कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे से करोगे क्या। शुभ को इंटरप्टिंग, माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन यू इंडीड एंड ऑल दैट शॉर्ट ऑफ थिंग, एम्ब्रेस एंड किस इज लोमो, आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट हैड बीन माई कॉन्टिन्यूअल डिजायर, शेड ए टीयर्स एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ यू वर माई ऑन सन, मे गॉड give you both his help and his love and so on and so much hope, what am I behaving in this idiotic way for, I am off my balance with joy, absolutely off my balance, oh with all my soul I will go and call Natasha and all that। अब जैसे वो लोमो बोलने ही वाला था, तो जो शुभ को है उसको बीच में रोक देता है, हाँ हाँ मेरे प्रिय मुझे बहुत खुशी है, और वाक्य में मेरे तो बिल्कुल अंदर की ये इच्छा थी कि तुम्हारी शादी उसके साथ हो। वो उसको ऐसे एम्ब्रेंस करता है, उसको किस करता है लोमोव को, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है कि हाँ मैं तो तुमसे शुरू से ही बहुत प्यार करता हूँ, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, मैं भगवान से चाहूँगा कि वो तुम्हारी मदद करे, तुम्हें प्यार करे ऐसे ही। और वो कहता है कि देखो ना मैं भी कितना पागलों की तरह बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन ये कहता है कि मेरे खुशी के आंसू है, मैं खुशी में पागल हो चुका हूँ और मैंने अपना बैलेंस भी खो दिया है। अब कहता है कि आप बैठिए मैं नताला को बुला के लाता हूँ। लोमो, ग्रेटली मूव्ड ऑनर स्टेफन स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हिज कंसेंट। तो फिर लोमो बोलता कि क्या आपको लगता है कि क्या नताला मानेगी, क्या उसकी मर्जी होगी शादी के लिए। शुभ को, वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एंड इफ इट शी वॉन्ट कंसेंट, शेल शी इज इन लव इगेर शी लाइक ए लव सी कैट एंड सो ऑन, शेल नॉट बी लॉन्ग एग्जिट। अब तो शुभ को कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं मानेगी, मानेगी क्यों नहीं, वो तो वैसे भी एक लवशिक कैट है, मतलब कि वजह से कि मतलब कि प्यार की भूखी जिसको बोल देते हैं, कि वो तो वैसे भी ये वाली है, तो वो मानेगी क्यों नहीं, अब कोर्स मानेगी वो। लोमो, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेमलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, द ग्रेट थिंग इज इट आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अलॉट, टू लुक फॉर एन आइडल एंड फॉर ए रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड, बट इट इज़ कोल्ड, नताला स्टेफनो इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर बट नॉट बेड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। अब जो लोमो कहता है कि हाँ काफ़ी ठंड है, ठंड के मारे मैं भी काँप रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कोई एग्ज़ाम हो, लेकिन अब मैंने अपना मन बना लिया है, मैंने सोच लिया है, अब चाहे कोई ना तो मैं हेजिटेट होऊंगा, मैं कुछ भी नहीं, मैं अपने विचारों को उसके सामने रखूँगा, अगर मैं ऐसे हेजिटेट होता रहूँगा तो फिर मैं कभी शादी ही ना कर पाऊँगा, और वैसे भी ठंड है, और जो नताला है वो काफ़ी अच्छी हाउसकीपर भी है और वो दिखने में भी काफ़ी अच्छी है और पढ़ी लिखी भी है, वट मोर आई डू आई वॉन्ट, और इससे ज़्यादा मेरे को क्या चाहिए, बट आई एम गेटिंग ए नॉइज़ इन माई ईयर्स फॉर एक्साइटमेंट ड्रिंक एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू मैरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई एम ऑलरेडी 35, ए क्रिटिकल एज सो टू स्पीक, इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ।
आई सफ़र फ्रॉम पेल्पिटेशन एंड आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग अवेफुल अपसेट. इट इज़ एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग. अब वो कहता कि अब मेरी शादी की उम्र है 35 साल है और दूसरा मेरे को शादी करनी है, क्योंकि उसको पॉल्पिटेशन का मतलब होता है कि उसकी दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो जाती है. जब वो एक्साइटेड होता है ना, तो वो उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती हैं, उसके होठ फड़फड़ाने लगते हैं और उसकी जो राइट आईब्रो है वो भी ऐसे ट्विच हो जाती है. बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल दिस वे आई स्लीप, और सबसे बुरी बात तो ये है कि जब मैं सोता हूँ वो अपनी बुराइयाँ बता रहा है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियाँ. एक तो मैं 35 साल का हूँ और मेरे अंदर ये भी कमियाँ हैं, अपनी कमियाँ गिना रहा है वो. वो कहता है कि जब मैं सोता हूँ तो उसके साथ क्या होता है. आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव ए पुल एंड आई कैन फील इट माई शोल्डर एंड हैड आई जंप अप लाइक ए लुनेटिक वॉक अबाउट ए बिट एंड लाई डाउन अगेन बट एज सून एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप देन अनदर पुल एंड दिस मे हैपन 20 times. नताशा स्टेफनो कम्स इन और फिर बताता है कि जैसे मैं सोता हूँ तो जल्दी मेरे को नींद नहीं आती, नींद आएगी तो फिर मेरे कुछ शोल्डर के पास पुल होगा और ऐसे मेरे साथ जो है 20 बार होता है. और इतने कहते ही जो नताशा है वो आ जाती है. नताशा, वेल देर इज इट यूर पापा सेट गो देर इज ए मर्चेंट कम फ्रॉम हिज गुड हाउ डू यू डू इवान वेसलेविच. तो नताशा के जो फादर हैं उन्होंने अंदर नताशा को बोला था कि एक कोई व्यापारी आया हुआ, तो नताशा आते हुए बोलती है कि अच्छा ये व्यापारी है, और उसको वो बोलती है कि तुम कैसे हो. लोमोव, हाउ डू यू डू ऑनर नताशा स्टेफनोवा. तो वो जो लोमोव है वो नताशा से पूछता है कि आप कैसे हो. नताशा, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेगलिग वी आर शेलिंग पीस ऑफ ड्राइंग. वो कहता है कि नताशा बोलते कि आप जो है मेरा जो मैंने एप्रन डाला हुआ है और जो मैंने जो नाइट वियर डाला हुआ है आप उसको थोड़ा हाँ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैं मटर सुखा रही थी. वाई हैव नॉट यू बीन हेयर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, सिट डाउन दिस डेमसेल्स. Won't you have some lunch? तो कहते हैं कि तुम बहुत दिनों से यहाँ नहीं आए हो, तो तुम वो दोनों बैठ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने लंच किया है. लोमोव, नो थैंक यू आई हैड सम ऑलरेडी. तो वो लोमोव बोलता कि नहीं नहीं मैंने ऑलरेडी कर लिया है. नताशा, देन स्मोक हेयर आर द मैचेस. वो कहता है कि तुम स्मोक करोगे, यहाँ पे माचिस रखी हुई हैं. द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ बट यस्टरडे इट वाज सो वेट दैट वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे. हाउ मच हे हैव यू स्टैक. अब जो वो बोलती है कि हाँ आज का तो कितना अच्छा मौसम है, कल तो काफ़ी गीला भी था, जो हमारे मज़दूर लगे हुए हैं वो काम भी नहीं कर पाए. और हाँ वो कहता है कि तुमने कितना चारा स्टैक अपना, कितने चारे को मतलब कि काट के जोड़ लिया है, रख लिया है. जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैव ए वॉल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रोट. हे होता है चारा. वो कहता है कि मैं कितनी लालची हूँ, मैंने अपने सारे खेत कटवा के रख लिए, अब मेरे को ये डर लगा हुआ है कि कहीं मेरा चारा सड़ ना जाए. I ought to have waited a bit, but what this? Why you are in evening dress? Well, I never. Are you going to a ball or what? Though I must say you look better. Tell me why are you got up like that? तो वो बोलते हैं कि चलो छोड़ो इन बातों को, तो क्या तुम कहीं पे जा रहे हो ऐसे ड्रेसेस, किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो जो ऐसे कपड़े पहने हुए हैं. तो लोमो बोलता है, you see owner Natalia, the fact is I have made up my mind to ask to hear me out. Of course you will be surprised and perhaps even angry. But the it's awful cold. तो वो कहता है, लोमो उसे बोलता है कि भाई मैंने अपना मन बना लिया है, एक बात मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ. अब मेरी बात को सुन के क्या पता तुम्हें गुस्सा आए या फिर तुम खुशी होए, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है. नताशा, what is the matter? Well, क्या मैटर है बोलिए. लोमो, आई शेल ट्राई टू बी ब्रीफ. यू मस्ट नो ओनर नताशा स्टेफनोवा दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड. तो वो बोलता है कि तुम, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. तुम जानते हो नताशा कि हम बचपन से ही इकट्ठे रहे हैं, बहुत बहुत साल पहले. इन फैक्ट हैज़ द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली. हम एक दूसरे के परिवारों को जानते हैं. माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम वूम एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर. तो वो कहता है कि हमारे जो पूर्वज थे और जो तुम्हारे पूर्वज हैं वो आपस में एक दूसरे के काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं. द लोमोव एंड द शुबुकोव हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट एफोशनिएट रिगार्ड फॉर ईच अदर. वो कहता है कि मैं और जो तुम्हारे फादर हैं वो हमेशा ही एक दूसरे से कितना स्नेह रखते हैं, एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं, ये सब. And as you know, my land is near neighbor of yours. You will remember that my oxen meadows touch your Bridgewood. फिर वो बोलता है कि और हाँ एक बात और है, और हमारी जो लैंड है वो भी तुम्हारे काफ़ी नज़दीक है, जैसे जो हमारे ऑक्सन मीडोज़ है वो तुम्हारे Bridgewood को टच करते हैं. ये बात जो है लोमो बोल रहा है नताशा को कि मेरे जो ऑक्सन मीडोज़ हैं वो तुम्हारे Bridgewood को टच करते हैं. ऑक्सन मीडोज़ और Bridgewood का एक लैंड ऑफ पीस है, नाम रखे हुए हैं इनके ये सब.
नताला, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सन मेरोज बट आर दे योर्स? तो नताला कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा, बीच में बोलना पड़ रहा है कि ऑक्सन मेरोज वो तुम्हारे कब से हैं? लोमोव, यस माइन. लोमो बोलता हाँ मेरे ही हैं. नताला, वट आर यू टॉकिंग अबाउट? ऑक्सन मेरोज आर आवर्स नॉट योर्स. तो नताला बोलते हैं कि जिन ऑक्सन मेरोज के बारे में आप बात कर रहे हो वो आपके नहीं, वो हमारे हैं. लोमो कहता है नो माइन ऑनर्ड नताला स्टेफनोवा. तो लोमो कहता है कि नहीं नहीं नताला, वो आपके नहीं हैं, वो हमारे हैं. नताला, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट? तो नताला बोलती है कि मैंने तो कभी पहला ऐसे नहीं सुना, तो तुम्हें कहाँ से पता लगा ये सब? लोमो कहता है कि हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज विच आर रेजिडेंट बिटवीन योर ब्रिजवुड एंड द ब्रंट मार्शेज. तो वो बोलता है कि मैं उन ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे ब्रिजवुड और द ब्रंट मार्श के बीच में पड़ते हैं. नताला, यस यस दे आर आवर्स. नताला बोलते कि हाँ हाँ वही, वो हमारे ही हैं. लोमो, नॉट यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नताला स्टेफनोवा, दे आर माइंड. फिर लोमो बोलता कि नहीं नहीं तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वो हमारे हैं, आपके नहीं हैं. लोमो, हाउ लॉन्ग एज यू एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, और वो तब से हमारे हैं जब से मुझे याद है. नताला, रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट? नताला कहते हैं कि अच्छा मुझे तो इस पर विश्वास नहीं हो रहा है. लोमो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट ऑनर्ड नताला, ऑक्सन मेरोज इज ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन. दीज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट. यू सी माई ऑन्ट ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मेरोज टू प्रिपिटरी टू दीज पीजेंट ऑफ योर फादर ग्रैंड मदर इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर. द पीजेंट बिलोंगिंग टू योर फादर ग्रैंड फादर हैड द फ्री यूज ऑफ मीडोज फॉर 40 years एंड हैड गॉट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग दैम एज देयर आउन वैन इट हैपन डैट. लेकिन लोमो बोलता है कि आप डॉक्यूमेंट देख लो, ऑक्सन मीडोज हमारे हैं. हाँ ये बात सच है कि हमेशा इस पर झगड़ा चलता रहा है, लेकिन अब तो सभी जानते हैं कि ये हमारे हैं. और हाँ, जो मेरी आंट ग्रैंड मदर है उन्होंने इन मीडोज को जो है आपके जो फादर के ग्रैंड फादर थे उसको दिया हुआ है ईंटें बनाने के लिए, और ये सब जो है 40 साल तक ही चलेगा. तो वो कहता है कि हाँ तुम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो तो इसलिए आपको लग रहा है कि वो हमारे हैं. नताला, नॉट इजंट इट एट ऑल लाइक दैट, बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर रिकॉन दैट देयर लैंड एक्सटेंड टू ब्रंट मार्शेज विच मीन दैट ऑक्सन मीडोज वर ऑर्स. नताला बोलते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे दादाजी ने तो हमें बताया है कि हमारे दादा और परदादा ने हमें यही बताया था कि भाई जो ये हमारी जो ज़मीन है वो ब्रंट तक हमने बढ़ा ली है, इसको ब्रंट मार्शेज तक, और उसमें तो फिर ऑक्सन मीडोज भी हमारे हुए. आई डोंट सी वट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, इट इज़ सिंपली सिली. तो कहता कि मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ के बारे में लड़ाई है, ये बहुत सिंपली था. तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. हम कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. आई होप आपको ये लेसन काफ़ी ईजिली समझ आया होगा, बहुत ईजिली समझा है, एक रशियन वेडिंग के ऊपर है ये. कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.